hello friends good morning uh, today we will discuss the next portion of chapter number 13 garib ki hai in the first video i have explained the first portion of uh, the story in which we covered the early part of the chapter where we learned that it's a story of a poor woman, poor widow woman whose name is Munga. Okay, he has given his money for safekeeping to Ramsevak. Sorry, she has given her money to Ramsevak for safekeeping, but eventually he uh, she comes to know that uh, Ramsevak is cheating her. Hers, uh, her. Therefore, she. <coughs> आस्क राम सेवक टू रिटर्न हर मनी बट राम सेवक डिनाइड टू टू हैव डन एनी काइंड ऑफ चीट टू हर सेल्फ एंड ऑल्सो डेनाइड टू रिटर्न एनी सच मनी ओके तो पिछली जो पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने आप सभी लोगों को समझाया था कि जो भी पैसा मूँगन है रामसेवक को दिया था रामसेवक ने उसको साफ़ मना कर दिया कि मेरे पास तुम्हारा कोई भी पैसा नहीं है और मूंगा ने ये कहा कि नहीं तुम्हारे पास मेरा ढाई सौ रुपये है ठीक है इसके बाद पंचायत बुलाई जाती है पंचायत बुलाने के बाद वहाँ भी मूंगा को न्याय नहीं मिलता अब इसके बाद उसके सारे रास्ते बंद हो गए थे और उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ राम सेवक से बदला लेने की चाहत बची हुई थी वो हमेशा यही सोचती रहती थी कि मैं राम सेवक से कैसे बदला लूं ठीक है तो अब इसके बाद का जो पोर्शन है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रेजुअली हर माइंड गिव वे बेयर हेडेड बेयर बॉडीड अ लिटिल हैचेट इन हर हैंड शी वुड सिट इन अ डेसोलेट प्लेसेस सी अब हर हट एंड वॉज सीन वैंडरिंग अराउंड The ruins of an cremation ghat along the river, dishevelled, red-eyed, grimacing crazily, her arms and legs emaciated. When they saw her like this, people were frightened. ठीक है अब धीरे-धीरे क्या हुआ कि उसका जो दिमाग था वो काम करना बंद हो गया, ठीक है उसके जो बाल थे वो भी झड़ गए, bear-headed. इसके बाद bear-bodied, ठीक है मतलब अब उसके बॉडी में भी बिल्कुल जान नहीं बची थी ठीक है मतलब उसके ताकत बिल्कुल भी नहीं थी विथ अ लिटिल हैचेट इन हर हैंड एक छोटी सी लकड़ी अपने हाथ में लेकर के सहारा जो देती है वुड सिट इन डेसोलेट प्लेसेस, वो अकेले मतलब सुनसान जगहों पर बैठ जाती थी और उसने अपना घर भी जो झोपड़ी थी वो भी छोड़ दिया था वो वहाँ भी नहीं जाती थी और यहाँ से वहाँ जो क्रीमेशन घाट थे जो शमशान घाट था नदी के किनारे उसके आसपास घूमती रहती थी ठीक है उसकी आंखों में मतलब रेड आइट रहती थी हमेशा गुस्से में रहती थी क्रिमेसिंगली ठीक है उसके हाथ और जो लेग्स थे वो भी बहुत डरावने से हो गए थे और को, जो जब कभी भी कोई उसको देखता था तो वो डर जाते थे ना नो वन टीज हर इवन फॉर फन अब कोई भी उसको मजाक में भी चढ़ाता नहीं था वेन एवर शी केम आउट इन द विलेज वुमेन्स शर्ट द डोर ऑफ देयर हाउसेज मेन स्लंक अवे एंड चिल्ड्रेन रैन ऑफ स्क्रीचिंग ठीक है जब भी वो गाँव में आती थी तो जो महिलाएँ थी जो वुमन्स थी वो अपने दरवाजे बंद कर लेती थी और जो आदमी लोग रहते थे वो वहाँ से मुड़ जाते थे रास्ता बदल लेते थे अपना और जो बच्चे रहते थे वो दौड़ कर भाग जाते थे बट देर वॉज वन चाइल्ड हु डिडेंट रन अवे एंड देट वॉज मुंशी जी सन राम गुलाम ठीक है लेकिन उस गांव में एक लड़का था जो राम सेवक का बेटा था जिसका नाम राम गुलाम था वो उसको देख करके कभी भागता नहीं था द विलेज वन आइड एंड लेम मैन हेटेड द साइट ऑफ हिम ही वुड कीप आफ्टर मूगा क्लैपिंग हिज हैंड्स एंड टेकिंग द विलेज डॉग्स विथ हिम अंटिल द पुअर वुमेन अटर बी विल्डर्ड वुड फ्ली द हेमलेट हैविंग लॉस्ट हर माइंड अलॉन्ग विथ हर मूव शी हैड अर्न द टाइटल ऑफ द लोकल मैड वोमेन ठीक है अब इसके बाद वो जो बच्चा रहता था उसके पीछे पीछे घूमता था और जो गली के कुत्ते होते थे जो गाँव के कुत्ते थे उसके पीछे पीछे लेकर के उनको दौड़ाता था ठीक है और तब तक दौड़ाता था जब तक कि मूंगा अपने हाथ की जो डंडी थी जो स्टिक थी या फिर जिसको हैमलेट बोलते हैं वो जब तक उसको लेकर के उसे मतलब उनको डराती नहीं थी तब तक वो उनके पीछे भागते रहते थे और धीरे धीरे वो उस गाँव की पागल महिला के नाम से ये पागल है पागल है तो मैड वुमेन के नाम से उसको सब भुलाने लगे ठीक है सी वुड सेट अलोन टॉकिंग टू हर सेल्फ फॉर आवर्स एक्सप्रेसिंग हर इंटेंस डिज़ायर टू हार्म राम सेवक एंड वेन हर हैड रीच इट क्लाइमेक्स शी वु टर्न हर फेस टूवर्ड्स राम सेवक हाउस एंड श्री द टेरेबल वर्ड्स आई विल ड्रिंक यूर ब्लड ठीक है वो हमेशा अकेले बैठती थी और घंटों तक अपने आप से बात करती थी अपना जो इन, अ, मतलब अपने आप से बात करती रहती थी जिसमें यह पता चलता था कि वो राम सेवक को नुकसान पहुँचाना चाहती है और जब उसका गुस्सा क्लाइमैक्स मतलब जब लिमिट क्रॉस कर जाता था तो वो राम सेवक के घर की तरफ अपना फेस टर्न कर लेती थी और फिर टेरिबल वर्ड्स जो डरावने से शब्द हैं वो बोलती थी आई विल ड्रंक यो ब्लड में तुम्हारा खून पी ले जाऊंगी मुंशी जी वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट करेज एंड टेनेसिटी बट वेन ही हर्ड मूंगास वॉज सैक्रेट सॉरी स्केड वी मे नॉट बी अफ्रेड ऑफ ह्यूमन जस्टिस बट द फियर ऑफ गॉड्स जस्टिस रिसाइड्स इन एवरी मैन हर्ड मूंगा इज ड्रेडफुल नाइट वैंडरिंग्स समटाइम्स इंस्पायर सच रिफ्लेक्शंस इन राम सेवकस माइंड एंड इवन मोर इन हिज वाइफ्स ठीक है अब जो मुंशी जी थे वो बहुत ही बहादुर थे बहुत ही साहसी थे लेकिन मूंगा के जब शब्द ये सारे शब्द सुनते थे तो वो भी डर जाते थे हमें ये पता है कि हम लोग इंसानों से तो नहीं डरते लेकिन अगर हमने कुछ गलत किया है तो हमें भगवान का डर होता है ठीक है और इन बातों को मूंगा का ये जो बिहेवियर uh, था वो पूरा सही साबित कर रहा था ठीक है एंड इवन मोर इन हिज इन हिज वाइफ मतलब जितना राम सेवक डरता था उस मूंगा से उससे ज्यादा उसकी वाइफ जिसका नाम नागिन था वो डरती थी नागिन वॉज अ वेरी श्रेवड वूमन शी एडवाइज हर हजबेंड अबाउट ऑल हिज बिजनेस डीलिंग्स शी वॉज अ ब्रिलियंट इन स्पीच एज एज ही इन राइटिंग ठीक है तो नागिन क्या थी मतलब जो उसकी वाइफ थी वो बहुत ही आ, पढ़ी लिखी थी बिजनेस डीलिंग्स में उसका अपने हस्बैंड का साथ देती थी और बोलने में काफी अच्छी थी जैसा कि राम सेवक अकाउंट्स बनाता था लिखने में काफी अच्छा था वैसा ही वो बोलने में बहुत ही चालू थी ठीक है वन एंड नाइट वेन मिनट जी है एक रात को क्या हुआ कि जब मुंशी जी सो रहे थे तभी अचानक से मूंगा उनके दरवाजे पर आती है और डरावनी सी आवाज में चिल्लाती है कि मैं तुम्हारा खून पी ले जाऊंगी मुंशी जी वॉज इलेक्ट्रीफाइड बाई हर हॉरिबल पील्स ऑफ लाफ्टर हिज लेग्स सुक विथ फियर हिज हर्ट थम्ड गैदरिंग अप हिज करेज विथ अ ग्रेट एफर्ट ही ओपन द डोर एंड वोक नागिन ठीक है आ, जो मूंगा थी वो उसने सिर्फ इतना बोला ही नहीं कि मैं तुम्हारा खून पी ले जाऊंगी इतना बोलने के साथ साथ वो तेजी से हंसने भी लगे जैसे हा 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 करके हंसने लगती है ठीक है जी ने जब सुना तो वो काफी डर गए और डरने के बाद बहुत हिम्मत जुटा करके उन्होंने अपना दरवाजा खोला और नागिन को जगाया द टू ऑफ दे थ्रेस होल्ड आई एम पीकिंग फ्रॉम द डोर फिगर लाइंग ऑन द ग्राउंड हर्ड हर पैंटिंग ठीक है तो दोनों ने मतलब पंजे के बल पर गए न, मतलब उंगलियों को दबा करके गए मतलब बहुत हल्की से बिना आवाज़ किए आगे बढ़ते हैं थ्रेस की तरफ जाते हैं और फिर डोर से झांक करके देखते हैं तो मोंगा की जो परछाई थी हल्की सी ग्राउंड पर देखती है द नाइट पास्ट वो रात गुजर जाती है द डोर शट बाय राम सेवक एंड नागिन स्पेंड द स्पेंड द आवर सिटिंग अप ठीक है उन्होंने राम सेवक और नागिन ने फिर उसके जाने के बाद दरवाजा बंद कर लिया और रात भर ऐसे ही बैठे बैठे गुजर गया मूंगा को नॉट गेट इन साइड बट हु कुड स्टॉप हर वॉइस मूंगा अंदर तो नहीं आ सकती थी लेकिन कौन उसकी आवाज़ को बंद कर सकता है कौन उसकी आवाज़ को रोक पाता हर वॉइस वॉज द मोस्ट टेरेबल थिंग अबाउट हर उसकी जो आस, आवाज आवाज़ थी वही सबसे ज्यादा भयानक थी या फिर डरावनी थी द न्यूज गॉट अराउंडा वॉज स्क्वाटिंग ऑन मुंसीज डोर स्टेप दिलेज टू ग्रेट डिलइट इन हिज एम्बेरसमेंट लॉस ऑफ फेस होल फ्लॉक्स ऑफ पीपल गैदर्ड अराउंड एट वंस लिटिल राम गुलाम डिडेंट लाइक दिस क्राउड एंड ही गॉट टू अ सो एंग विथ मूंगा दैट इफ ही हैड हैड द पावर ही वुड हैव फ्लंग हर इन टू अ वेल राम गुलाम कलेक्टेड द डंग ऑफ देअर काउ इन अ पॉट एंड हंग इट एट द पुअर वोमेन ठीक है इसके बाद जो ये जो खबर थी कि वो मूंगा उनके घर दरवाजे पर जाके डरावनी या आवाजें निकालती है ये पूरे गाँव में फैल गई और इससे बहुत सभी लोग मतलब आ, मतलब uh, सभी लोगों को खुशी महसूस हो रही थी मतलब बहुत सब लोग खुश हो रहे थे जो क्योंकि राम सेवक का एम्बेरसमेंट मतलब उसका uh, हम ये कह सकते हैं कि सॉरी यहाँ पर खुश नहीं हो रहे थे खुश इसलिए हो रहे थे कि uh, जो मूंगा थी उसकी मतलब हम कह सकते हैं एम्बेरसमेंट फील कर रहे थे ठीक है एंड लॉस ऑफ फेस हु फ्लॉक्स ऑफ पीपल गैदर्ड अराउंड एट वंस ना वंस अगेन जो आ, उनका बेटा था राम सेवक का राम गुलाम उसे ये सब कुछ पसंद नहीं आ रहा था और मूंगा से इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया कि उसने उसको अगर मतलब उसने ऐसा सोचा कि अगर मेरे पास पावर होता तो मैं उसको कुएं में लटका देता ठीक है राम सेवक ने क्या राम गुलाम ने क्या किया कि अपने गाय का जो गोबर था उसको एक पॉट में भर के उस पुअर वुमेन के ऊपर रख दिया सम ऑफ इट स्प्लेसड ऑन द ऑन लूकर्स टू उसके ऊपर कुछ लोगों ने पत्थर भी मारे मूंगा वॉज कम्प्लीटली कवर्ड एंड द पीपल हैजटली रिट्रीटेड सेंग दिस इज मुंशी राम गुलाम डोर वेयर यू कैन एक्सपेक्ट सच फाइन मैनर्स मुंशी जी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिज सन ऑन दिस इंजीनियस एंड अपीलिंग वे ऑफ गेटिंग रेट ऑफ दैट गुड फॉर नथिंग क्राउड ठीक है द होल मॉफ फाइनली डिसअपियर्ड बट मूंगा ऑनलाइन देयर एग्जैक्टली एज बिफोर

तो मुँह मतलब आई थी तो दूसरे दिन उसे यहीं पर थी तो राम राम गुलाम ने क्या किया कि उसके ऊपर गोबर फेंक दिया तो बाकी लोग भी जो थे उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके फेंकने लगे जब तक कि उसकी पूरी बॉडी कवर नहीं हो गई तो उसके बाद राम गुल ने कहा कि ये राम गुलाम का मतलब ये राम सेवक का बेटा है राम गुलाम मतलब राम सेवक की बेइज्जती करने पर यही होगा तो कुछ समझा बुझा करके इसके बाद फिर जो क्राउड थी वो चली गई ठीक है जाने के बाद फिर मूंगा भी वहीं पर लेटी रह गई आंखें बंद करके रात होती है रात होने के बाद फिर सभी लोग सो जाते हैं दोनों जो राम सेवक और नागिन है वो भी कमरे में अपने चले जाते हैं रात भर वो वहाँ पर बैठ करके के वो आ, बैठे रहते सो नहीं पाते हैं और सुबह जब दरवाजा खोलते हैं तो मूंगा को अपने दरवाजे के सामने मोशनलेस मतलब वो बेहोश सी हालत में पाते हैं ठीक है ओके अब इसके बाद का जो नेक्स्ट पोर्शन है और लास्ट पोर्शन होगा वो कल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा ठीक है सो टिल देन कीप लर्निंग कीप एन्जॉयिंग एंड स्टे फिट थैंक यू